अब बच्चों देखते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप कैसे वर्क करता है। बहुत मजेदार मैं प्रेजेंटेशन बनाया हूं आपके लिए, विजुअलाइजेशन और बहुत मजेदार नॉलेज है। मुझे भी अच्छा लगा ये सब सीख करके, पढ़ करके, और अब आपको सिखाने का टाइम आ गया है। तो बेटा सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल इसका एडी करंट पे बेस्ड है मेरे बच्चों। देखो जैसे यहां पे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी भाई, साउथ से नॉर्थ होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा जैसे जैसे ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। एज मैग्नेट मूव्स अवे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस, बी रिड्यूसेस, ठीक है। अब बेटा ये जो बी रिड्यूस हो रहा है इससे फाई चेंज हो रहा है, फाई अगर वेरी कर रहा है तो बेटा इससे ईएमएफ इंड्यूस होगा एज पर फैराडेज लॉ, और उससे बनेंगे एडी करेंट। अब ये एडी करेंट लेंज लॉ के हिसाब से क्या करेंगे, दे विल अपोज द चेंज, दे विल अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन। कॉज ऑफ इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का घटना, मैग्नेटिक फील्ड का घटना कॉज है। तो ये इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंट इंड्यूस होके, जिससे एडी करंट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल आएगी। अगर बेटा पैरेलल आ गई तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो अगर बी रिड्यूस हो रहा है मैग्नेट के दूर जाने से तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ताकि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कायम रख पाए, उसे कांस्टेंट रख पाए। अगर ये मैग्नेट नहीं देगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एडी करंट कह रहे हैं हम खुद से बना लेंगे, भैया तुम नहीं दोगे तो हम अरेंज कर लेंगे, कैसे भी करना तो है ही ना काम, मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ही चाहिए, क्या कर सकते हैं यहां पे। तो दैट इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज डिफाइंड। और ये प्रिंसिपल आपको आगे भी इंजीनियरिंग में हेल्प आउट करेगा, अगर कभी एडी करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो ध्यान रखना एडी करंट ऐसे इंड्यूस होंगे जो कि चेंज को अपोज करें। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन के लिए बेटा अंदर देखो क्या होता है, ये बहुत बड़ा मैग्नेटिक कॉइल होता है, इंडक्शन कुकर बोल लो, इंडक्शन कुकटॉप बोल लो, उसके अंदर बहुत बड़ी सी कॉइल होती है। इस कॉइल का काम है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कॉइल जनरेट करती है ना, ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट होती है हमारे घर के अंदर, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट विल बी ऑल्टरनेटिंग। अभी आपने दिखाया मैग्नेट दूर जाते हुए जिससे मैग्नेटिक फील्ड बदल रही थी। अब भैया कुकटॉप को ऊपर नीचे थोड़ी करूंगा खाना गर्म करने के लिए, वो तो स्टेशनरी रहेगा। तो वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलनी है तो आपको वहां पे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगाना पड़ेगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो जाए। इसके नीचे बेटा फैन प्रेजेंट होता है। फैन क्या करता है, जो भी हीट पैदा होगी उसे कूल डाउन करेगा, दैट विल बी द रोल ऑफ द फैन। तो ये फैन का काम है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है वर्किंग, ये जो नीचे रखा इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी दे विल वेरी विद टाइम, क्योंकि एसी सप्लाई से चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हुई। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर रखे बर्तन में, जो कि स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, उसके अंदर आयरन का बर्तन हो सकता है, उसमें इंड्यूस होंगे एडी करंट। एडी करंट बेटा जब इंड्यूस होंगे और वो सर्कुलर लूप में बार 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 गोल गोल घूमेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे होगा पावर लॉस, बनेगी हीट, और वो हीट जनरेट करती है खाना बनाने के लिए गर्मी। अब ऑब्वियसली यार गैस जितना गर्म तो ये नहीं कर पाता, आपकी जो पेट्रोलियम गैस होती है, जो एलपीजी गैस होती है, तो ऑब्वियसली इस पे खाना बनाने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रेशर कुकर और एनी गैस स्टोव। तो बेटा यहां पे क्या होता है कि एक कुकिंग वेजल रखा जाता है कॉपर वायर के कॉइल के ऊपर, जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया जाता है। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट इंड्यूस करती है, और ये एडी करंट रेजिस्टेंस के कारण प्रोड्यूस करता है हीट। तो यहां पे जो वेजल है उसके अंदर फेरस मटेरियल होना जरूरी है, लाइक कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील। इसीलिए इंडक्शन कुकटॉप के साथ जो है ना मेटालिक बर्तन का यूज किया जाता है, खासकर उसके अंदर आयरन कंटेंट होना चाहिए, बिकॉज आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अ गुड कंडक्टर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर आपको फ्लो करानी है किसी बर्तन में, तो द बेस्ट वे इज टू सिलेक्ट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच इज आयरन। It's time to experience something glorious.
Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging JET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for JET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.